निर्भया दीदी, तुम कहाँ हो? दीदी, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे अपना दर्द कहूँ। हम सगी बहने तो नहीं, लेकिन हमारे बीच दर्द का रिश्ता है, इसलिए मैं तुम्ही से कह सकती हूँ। दीदी, 16 दिसंबर 2012 को तुम्हें 6 लोगों ने कुचला। तुम चली गई तो खूब शोर हुआ, लगा कि अब लड़कियों के लिए ये देश ज्यादा सेफ होगा, लेकिन दीदी ऐसा नहीं हुआ। देखो ना, तुम्हारे जाने के 6 साल बाद मेरे साथ क्या हुआ। दीदी, मैं सिर्फ 8 साल की हूँ, मेरा नाम आशिफा है, मेरा घर जम्मू में काठुआ जिले के रसाना गांव में है। दीदी, मैं अपने घोड़े को ढूंढते ढूंढते इंसान के रूप में एक जानवर के चंगुल में फंस गई। मुझे एक मंदिर में ले गए, मंदिर का पुजारी उसका चाचा था। इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया दीदी, फिर लोग आते गए और मुझ पर जुल्म करते रहे। वो 8 लोग थे दीदी, मुझे बहुत दर्द हुआ। खाली पेट मुझे ये लोग कोई नशीली दवा देते थे। दीदी, जो लोग आते थे उनमें पुलिस वाले भी थे। इनमें से एक पुलिस वाला तो वो था जिसे मुझे ढूंढने के लिए लगाया गया था। मुझ नन्नी सी जान को कुचलने के लिए इन लोगों ने यूपी के मेरठ से भी किसी को बुला लिया। दीदी, मुझ में जान तो बची नहीं थी, फिर भी ये लोग मुझे मारने के लिए जंगल ले गए। वहां मुझे मारने ही जा रहे थे कि एक पुलिस वाले ने कहा, रुको। मुझे लगा शायद उसे दया आ गई, लेकिन दीदी, उसने जो कहा उसे सुनकर मुझे जीने की इच्छा भी नहीं रही। जानती हो दीदी, इनकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मेरे परिवार और मेरे समाज के लोगों को इलाके से भगाना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया। लेकिन दीदी, ये लोग अपनी दुश्मनी निभाने के लिए लड़कियों पर क्यों जुल्म उठाते हैं? और मैं तो इतनी छोटी हूँ, मुझे जाति, बिरादरी और धर्म में फर्क तक नहीं पता। मैं बेहद डरी हुई हूँ दीदी। कुछ वकील और नेता मेरे गुनहगारों को बचाने के लिए शोर कर रहे हैं। डरी इसलिए हूँ क्योंकि अगर ये लोग बच गए तो फिर किसी मासूम को मार देंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरे लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना दीदी, ये सब कुछ दिनों की ही बात है। ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारे जाने के बाद कुछ बदला क्या? कभी बंगाल तो कभी उन्नाव तो कभी असम, हर दिन रेप होते हैं, बच्चियों के साथ, बूढ़ी औरतों के साथ। अब मैं भगवान से ही कहूंगी, अगले जन्म मुझे बेटी ना बनाना, और अगर बनाना तो किसी ऐसी जगह मत भेजना जहां बच्चियों के साथ ऐसा करते हैं। तुम्हारी आशिफा।